खबर पखांजूर से है। सरकार द्वारा गांव गांव में तालाब एवं बड़े जलाशय का निर्माण कराया है। किसानों को खेत में सिंचाई के लिए नहर से पानी मिल सके। पीडब्ल्यूडी विभाग हरिहरपुर से ढोरकट्टा तक 10.4 किलोमीटर पक्की सड़क के निर्माण के दौरान ठेकेदार ने सड़क के दोनों तरफ एक साथ खुदाई कर दी है। यही नहीं, ठेकेदार ने सड़क पर बनी सभी पुलिया को भी तोड़ दिया है, जिसके चलते सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल सक रहा है। अब ग्रामीणों की शिकायत पर ठेकेदार ने जलाशय के गेट पर पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों को मिट्टी से बंद कर दिया। आपको बता दें कि रामकृष्णपुर गांव का जलाशय 73 हेक्टेयर जमीन पर बना हुआ है। जलाशय से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में नहर से पानी मिलता है। पिछले 2 सालों से पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी के चलते किसान फसल नहीं उगा पा रहे हैं। क्षेत्र के जनपद सदस्य एवं जनपद उपाध्यक्ष ने संबंधित विभाग को घेराव करने की चेतावनी दी है। ये बन पाएगा? गेट क्यों खराब है, किस वजह से गेट खराब? वो नाला रोड के लिए, रोड पहले अच्छा ही था तो फिर वो रोड के लिए वो पूरा खोद दिया। अभी 2 साल से पड़ा है। हम डीजल एक एक हमारा साल में कम से कम 50-100-200 लीटर डीजल लगता है ये मक्का खेती करने के लिए। ये भरपाई कौन करेगा? सरकार तो ध्यान नहीं दे रहा है। लाभ अभी तो पहले होता था, अभी तो रोड बनने के कारण वो पूरा बंद है। दो साल से क्या बंद है? नाली ब्लॉक हो गया है। हाँ, ब्लॉक हो गया। अभी तो किसान को बहुत परेशानी चल रहा है, बहुत सारा दिक्कतें आ रही है। एक ही दिक्कत नहीं सिर्फ किसान का, खेत का तो 2 सीजन का जो सिंचाई डैम है उसका पानी से वंचित हो रहा है और अपने मशीन से डीजल पंप से पानी को लेना पड़ रहा है। साथ ही साथ रास्ता को भी बहुत 2 साल से बाधित करके रखा है। आए दिन वहाँ गाड़ी फंसता है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, बहुत सारा दिक्कतें है और हम बोलते बोलते थक गए हैं। कोरोना काल में जिला